हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आ गई, हाजिर हुई हूँ आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या एहसास हैं उनके लिए, उनके दिल में वो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो देखते हैं आपके पार्टनर की पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके बारे में बताएं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उनके बारे में बताएं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझे फिर काट दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, थ्री ऑफ कप्स, एक कार्ड और दीजिएगा मुझे। प्लीज़ एक कार्ड और दीजिएगा मुझे, जिसमें पता चले कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ आपके पार्टनर कोई लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर का कोई फिक्स साइन हो सकता है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है, आप उनसे डिटैच हो गए हैं, वो आपके बारे में ये सोचते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस आपके बीच आपके और उनके बीच में जो पेनफुल एंडिंग हुई है उससे आप बाहर आएं, और वो भी यही चाहते हैं, वो भी निकलना चाहते हैं, वो आपके लिए आपसे शायद माफ़ी मांगने आना चाहते हैं। आपके उनके बीच में कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई है, वो इस रिश्ते में आपके पास आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके बारे में न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हैं, वो आपकी लाइफ में रश करके दौड़ते हुए आना चाहते हैं। आपके लाइफ में दौड़ते हुए आना चाहते हैं, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो दिखा रहे आपको इस तरह से पोकर फेस हैं अपना। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपने उनको बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दिखाए हैं अपने, आप उनको अपनी लाइफ में दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगी या करेंगे। आपके पार्टनर शायद आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आपके पार्टनर या बड़े हो सकते हैं, या एज डिफरेंट भी नज़र आ रहा है मुझे, कल्चर भी नज़र डिफरेंट नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, कोई जैसे कि कोई आर्मी में हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी फिगर लग रहे हैं मुझे, अगर लड़की है तब भी हो, अगर लड़के हैं तब भी। आप दोनों के बीच में जो पेनफुल एंडिंग हुई है वो उससे निकल के उससे हील होने का सोच रहे हैं, उससे हील होना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, और वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ से जो आपको दुख मिला है आप अभी तक उस दुख से बाहर नहीं आए हैं या आए हैं, वो आपसे माफ़ी भी मांगने का सोचते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ,
हो सकता है आपका उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, एक ही सिटी में रहते हों आप लोग पर दूर रहते हों, या एक ही कंट्री में रहते हों, आपके अलग स्टेट हो, उनका अलग स्टेट हो, कल्चर डिफरेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में। चले अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके बारे में वो क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, प्लीज़ मुझे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं बताइए उनके पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं। उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करते हैं, कार्ड और दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक 10 of Pentacles। आपके पार्टनर वेल हो सकते हैं, उनकी उनका भी फोकस जो है अपने मनी पर है, उनका भी पूरा फोकस अपनी मनी पर है। हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हों, हो सकता है आपके पार्टनर के पास उनके पास सब चीज़ें हैं, अभी तो उनका फोकस सारा अपनी मनी के ऊपर है, वो अपने पैरों पे पहले खड़े होना चाहते हैं। अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर तो वो आपके पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, फिर वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। तो चलें देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ इसे पूरी तरह से इग्नोर करिएगा। सकते हैं आपके पार्टनर कोई जेमिनाई हो सकते हैं, आपके पार्टनर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मुझे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, मुझे टॉरस नज़र आ रहा है, लियो नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बेतहाशा प्यार करते हैं, उनको इस रिश्ते में उम्मीद है कि आपको इस तरह स्टार की तरह देखते हैं वो। देखें उनके पास बहुत सारी अगर चॉइसेस भी हैं ना, उन चॉइसेस में आपका लेवल जो है वो यहाँ बीच में देखें कितना बड़ा सितारा है। आपके पार्टनर का यही सोचना है आपके बारे में, अगर उनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं ना तो तब भी उनका यही ख्याल है कि आप सबसे ऊपर हैं उनकी नज़र में स्टार कार्ड से। वो उनको उम्मीद है कि आप आएंगी, वो आपके लिए दुआ करते हैं, वो आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा मसला है आप दोनों के बीच में जो वो रुके हुए हैं, या उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, वो बेतहाशा आपके बारे में सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। हो सकता है अभी उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी बेहतर नहीं है, पहले वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर करेंगे, फिर वो आपके पास एक सॉलिड ऑफ़र लेके आएंगे। ये जो ऑफ़र होती है ये सॉलिड ऑफ़र होती है, होती तो छोटी है लेकिन होती सॉलिड है, लॉन्ग टाइम तक जाती है ये ऑफ़र। लेकिन कोई तो ऐसा मसला है जो उन्होंने, उनको लगता है कि आपकी तरफ से आपने अपनी तरफ इसने गार्ड अप किए हुए हैं कि अगर वो आना भी चाहें तो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उनका इस बात से दिल बहुत दुखा हुआ है, या आपका कोई ऐसी बात हुई है कि पास्ट में कि आपका उस बात से दिल दुखा हुआ है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है मुझे, यहाँ थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। अगर जिनके पास थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर पहले उस थर्ड पार्टी से निकलेंगे फिर आपके पास आएंगे। आपके पार्टनर
इस रिश्ते में होप रख के बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आपकी और उनकी शादी हो, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, पर वो अपने फाइनेंस पर फोकस हैं अभी। वो बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, सोचते भी बहुत हैं आपके बारे में। उन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है, दो दो कार्ड आए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि जो आपने अपनी तरफ दीवारें बना ली हैं, आप उसको ज़रा थोड़ा कम करें तो वो आपके पास सॉलिड ऑफ़र लेके आना चाहे। लेकिन उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखा है उन्होंने अपनी फीलिंग्स को। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं। चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम। आई एम हार्ट ब्रोकन। जी देखें, हार्ट ब्रोकन तो है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है आपसे, आपकी तरफ से। आई विल टॉक टू यू वेरी सून। जी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्या हम दोबारा बात करेंगे? देखें, दो दफ़ा बात की आई है कि वो आपसे बात करने के लिए बेचैन हैं। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। जी मैंने जैसे कहा, उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, उनकी एक एक मूवमेंट, आपकी एक एक मूवमेंट का उन्हें पता है। आई कैन सी फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं। यू आर माई ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसे उन्होंने ख्याल में लड़के लड़की के बारे में सोचा है। आई एम नर्वस टू मेक अ मूव। जी उनको कुछ घबराहट है कि आप उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगे, अगर वो आते हैं तो आप उनको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगी। फैमिली इशू, मैंने जैसे कहा कि फैमिली इशू भी हो सकता है, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो पहले फैमिली इशू को सॉल्व करेंगे फिर आपके पास आना चाहेंगे। मैं तुमको सोचता रहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पार्टनर, आप पार्टनर के हर वक्त दिलो दिमाग में रहते हैं, आप उनके बीच फुलफिलमेंट है। मुझे आखिरी मौका दोगे, वो आपसे एक आखिरी मौका चाहते हैं। चलिए तो उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग देना चाहेंगे? आपके पार्टनर की तरफ से दिल में हो तुम, सांसों में तुम, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, सानू एक पल चैन ना आवे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जी मैंने जैसे कहा, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको हर हाल में आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। कुछ इशू है वो उनको सॉल्व करेंगे, कुछ डर उनको आपकी तरफ से भी है कि आप उनको दोबारा एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, जो भेजी थी दुआ। गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये कितनी रेजोनेट हुई है। अब मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।